जय जिनेन्द्र, मैं विनीता जैन आत्मा चैनल पर प्रसारित धार्मिक समाचार देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। लुधियाना के न्यू शिवाजी नगर स्थित श्री रंगजी मंदिर में बीती शाम 24वां वार्षिक समारोह बड़ी ही धूमधाम एवं श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 3 दिन तक आयोजित किया गया। इस बीच भजनों की महफिल, आरती, सम्मान समारोह एवं कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री सिद्धनाथ सेवा मंडल, श्री कालका रथ सेवा संघ, श्री हनुमान सेवा समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ MLA सुरेंद्र डाबर द्वारा दीप प्रज्वलित करके किया गया। 28 मई को MLA संजय तलवार एवं श्री हरबंस लाल तलवार द्वारा मुख्य द्वार का उद्घाटन किया गया। इसके बाद ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजन हुआ। हरि ओम श्री गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमो नमः। श्री गणेशाय नमो नमः। आदि शक्ति नव दुर्गे ही नमो नमः। जय श्री रामाय नमो नमः। हनुमते राम दूताय नमो नमः। बहुत खुशी की बात है, न्यू शिवाजी नगर गली नंबर 9 में हमारे आदरणीय पूजनीय गोलोक ब्रह्म निवासी हमारे गुरु महाराज स्वर्गवासी पंडित राम रंग काकड़ा जी, जिनका 24वां गणपति महोत्सव मनाया जा रहा है, गुरु महोत्सव मनाया जा रहा है। मोहल्ले निवासियों की अपार कृपा से, शिष्य मंडली की अपार कृपा से, भक्त जनों की अपार कृपा से ये महान उत्सव मनाया जा रहा है। ये बड़ी श्रद्धा, बड़ी भावना, बड़ी निष्ठा से मनाया जा रहा है। बोलिए शंकर भगवान की जय। 24वां विशाल मूर्ति स्थापना दिवस शिवाजी नगर गली नंबर 9 परम पूज्य परम श्रद्धे ब्रह्मलीन गुरुदेव रामरंग जी काकड़ा, जिनके आशीर्वाद से, लुधियाना निवासियों के सहयोग से, इलाका निवासियों के सहयोग से और संपूर्ण शिष्य मंडली के सहयोग से आज से ठीक 24 वर्ष पहले इस राम रंग जी का मंदिर, जो श्री रंग जी के मंदिर से पूरे लुधियाना शहर में मशहूर है, उसके उपलक्ष्य में, मूर्ति स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय प्रोग्राम यहाँ पर आज बड़े धूमधाम से कराया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में आज लोग गुरु महाराज रामरंग जी काकड़ा और परमात्मा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर पधारे हुए हैं। श्री हनुमान सेवा संगीत परिवार मनमोहन पट्ट जी, जो बाहर मंदिर के मुख्य द्वार पर श्री सुंदरकांड जी का पाठ चल रहा है, तो इस स्थापना दिवस की सभी को बहुत बहुत बधाई। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। तब गगन चंद्रिका महासाध्वी श्री विजय श्री जी महाराज, प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी श्री शिवांगी जी महाराज, सरलमना महासाध्वी श्री इशिता जी महाराज, विखाभिलाषी साध्वी श्री कुत्सना जी महाराज, साहिब ठाणे 4 नूरवाला रोड स्थित जैन स्थानक में विराजमान है। कल सुबह 5 बजे महाराज साहिब का SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड पर स्थित जैन स्थानक में पधारने का भाव है। सभी भक्तजन अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर महाराज के दर्शनों का लाभ लें। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न हमको मिलते सतगुरु लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है
तेरा एक सहारा, जीवन का आधार है तेरा एक सहारा, अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा, अमृत सा रस देता है सतगुरु नाम तुम्हारा। गुरु को पाके धन्य हुआ है, गुरु को पाके धन्य हुआ, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, तेरे पांच हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा भी कल्याण कर दो, एक बार मेरा भी कल्याण कर दो, अंतर्यामी 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 अंतर्यामी, अब दूर मेरा अज्ञान कर दो, बुला रहे हैं कोई तो रिश्ता जरूर होगा, नजरों से नजरी मिला न पाए, मेरी नजर का कसूर होगा, तुम्हें तो मेरे माता पिता हो, तुम्हें तो मेरे बंधु सखा हो, तुम संग मैंने कई रिश्ते हैं जोड़े, रिश्ता निभाना जरूर हो। जिसका लगाम मालिक के हाथ में नहीं और मालिक उसके ऊपर बैठ गया, तो मालिक कभी भी गिर सकता है, कभी भी धाराशाही हो सकता है, कभी भी उसको चोट लग सकती है। उसी तरह वीतराग प्रभु परमात्मा फरमाते हैं कि जिस व्यक्ति का मन कंट्रोल नहीं, जो अपनी इंद्रियों पर अंकुश नहीं लगा सकता, वो जीवन भर भटकता ही रहता है। आचार्य सूत्र में भगवान महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में आता है कि परमात्मा भगवान ने तीन चीज़ों पर डिसिप्लिन किया था। सबसे पहले फूड डिसिप्लिन, खाने के ऊपर भगवान का नियंत्रण था। फिर दूसरा डिसिप्लिन ऑफ सेंसेस, दूसरा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, इंद्रियों के ऊपर अंकुश, और तीसरा डिसिप्लिन ऑफ स्लीप, नींद के ऊपर कंट्रोल। कहा कि यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो अपनी नींद को क्या कर दो, कम कर दो। इंसान ये नहीं रात में तो चलो 6-7 घंटे की नींद सफिशिएंट है, पर दिन में भी सो लिए, शाम को भी सो लिए, सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं, फिर इंसान सारी ज़िंदगी सोने में ही गवा देता है। यदि वो चाहे कि मैं ज़िंदगी में कुछ बन जाऊं, तो कभी भी नहीं बन सकता। कोई व्यक्ति है, बहुत प्यारी बात एक बहुत बड़े राइटर ने कही कि वक्त तुम्हारा है, वक्त तुम्हारा है, या तो इसको सोने में गवा दो या इसका सोना बना लो। सबके पास 24 घंटे हैं, या तो सोकर इस वक्त को अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दो, या फिर इस वक्त का यूटिलाइज करके, इसका उपयोग करके इसको सोना बना लो। कोई भी व्यक्ति है, हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, हम ईर्ष्या करते हैं, पर क्या कभी आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति महान बनता है, ऊंचाइयों की तरफ जाता है, उसका कारण क्या है, क्या कारण है?
लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। चैम्बर इंडस्ट्रियल कमर्शियल एंड अंडरटेकर CICU के प्रधान उपकार सिंह की अगुवाई में आज OKGOK जापानीज वर्ल्ड मिस्टेक प्रोफी प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसमें 125 पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया और कुल 17 टीमों ने भाग लिया। इनमें से 3 टीमों ने जीत हासिल की। वर्तमान स्पेशल स्टील सिफन्स और न्यूज मान ने मीडिया को ये जानकारी दी कि ट्रेनिंग में कैसे मिस्टेक प्रोफिक के साथ अपनी क्वालिटी को बढ़िया बना सकते हैं अथवा फूड प्रोडक्शन भी बढ़ाई जा सकती है। इंडस्ट्री बड़ी ही यूजफुल है और चैम्बर टाइम टू टाइम ऐसे प्रोग्राम करवाता रहता है ताकि चाइना व दूसरे देशों में से सही दाम पर माल बनाकर इंडियन इंडस्ट्री भी दुनिया की दौड़ में शामिल हो सके। सिंह पावा जी, थैंक यू फॉर ग्रेसिंग द ओकेजन। वर्तमान स्टील एंड स्टील स्ट्रिप्स गोइंग फॉरवर्ड द वर्ल्ड क्वालिटी द वे वी प्रेजेंट आवरसेल्व्स। मैं उपकार सिंह, प्रेसिडेंट चैंबर ऑफ इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल अंडरटेकिंग। अज जिहड़ा प्रोग्राम करवाया गया इहदा नाम है OKGOK। OKGOK एक जैपनीज वर्ड है जिहदा नाम है मतलब है मिस्टेक प्रूफिंग। असी ये प्रोग्राम जिहड़ा OKGOK दा इहदे च कोई 125 पार्टीसपेंट सी ते 17 टीम्स ने इहदे च पार्टीसपेट कीता। उहदे जो 3 जिहड़ियां विनर टीम्स है उहदे च वर्धमान स्पैशल स्टील है, स्टील स्ट्रिप्स है ते न्यूज़ मैन है। ते इहदे च इही दस्या गया ट्रेनिंग सैशन विच वे किदां मिस्टेक प्रूफिंग दे नाल असीं क्वालिटी वधिया बना सकदे हां अते अपनी प्रोडक्शन वधा सकदे हां। ये इंडस्ट्री बड़ा यूजफुल है। चैम्बर टाइम टू टाइम इदां दे प्रोग्राम करांदा रहिंदा तां कि जिहड़ी इंडस्ट्री है वो कंपीटिटिव हो सके। जिवें कि रोज़ देखिया जांदा है चाइना हुण दा कंपीटिशन है, दूजे कंट्रीज़ का कंपीटिशन है, तां कि असीं जिहड़े वधिया प्रोडक्ट है कंपीटिटिव प्राइस ते बना सकीए ते दुनिया नाल कंपीटिशन कर सके। लुधियाना से कैमरामैन सूरज के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। पंजाब में बच्चियों के साथ बढ़ रहे जोर जिन्ना जबरदस्ती के मामले लेकर सूबे की स्त्री जागृत मंच द्वारा आज जलंधर के SSP दफ्तर के बाहर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। स्त्री जागृति मंच की महिलाओं ने राजनीतिक दलों के नेताओं पर युवकों को नशे की गिरफ्त में भेजने के आरोप भी लगाए और कहा कि ज्यादातर जोर जबरदस्ती के मामलों में युवक ने किसी न किसी तरह के नशे किए हुए होते हैं। मर्द घर का मुखी होता है औरतों अपने अधीन रखता है ते जो छोटी होंगी है बच्ची बचपन के पिता के अधीन रहती है जो भरा भरता भी होटा भी होधीन रही है। असी अज वैसे तो पूरे पंजाब दी जिहड़ियां बहुत सारिया इदां दीआं घटनावां आ वख-वख घटनावां आ जिहदे विच लेटेस्ट जिहड़ी आ तुसीं कल धूरी वाली घटना पढ़ी होनी अखबारां दे विच कि एक जिहड़ा कंडक्टर आ उहने और उस बच्ची दे नाल गैसट रूम च ले जा के रेप किया जबकि जिहड़ा कानून दे मुताबक सरकार दे कानून दीआं इह धज्जियां उड़ाईआं जा रहीआं कि कहण दे बावजूद भी कि औरत कंडक्टर रखणे आ जिथे जिथे स्कूलां दे विच बसां हैगीआं पर कानून दी हर पासे जिहड़ी उलंघना हो रही आ जिथे किते भी स्कूल आ उत्थे महिला कंडक्टर नहीं रखीआं गईआं। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਸਾਲੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ, ਆਲਰੇਡੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ ਔਰ SC ST ਐਕਟ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਕੇ 60 ਦਿਨ 'ਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ?
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਜੋਧਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੀਮ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਸੇ ਲਖਬੀਰ ਸਾਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੌਂਦਰਯ ਔਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਤਵਚਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਜ್ਞ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਲ ਸੋਇਨ ਕੀ ਉਪਜ ਔਰ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਇਨਾ ਨੇ ਸਰਾਬਾ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਲੋਗੋ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦੀਏ। ਇਸੀ ਕੜੀ ਕੇ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਲ ਸੋਇਨ ਦੁਆਰਾ ਨਏ ਕਲੀਨਿਕ ਕਾ ਸ਼ੁਭਾਰੰਭ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਥਾਪਕ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾਕਟਰ ਸਿਮਲ ਸੋਇਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਕੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਤੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਇਨਾ ਕੁਛ ਅਦਵਿਤੀਯ ਔਰ ਟਾਈਮਲੈਸ ਬਣਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਸੇ ਪੈਦਾ ਹੁਆ ਥਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਕਈ ਔਰ ਵਿਸ਼ਿਓ ਪਰ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਏ ਔਰ ਯੁਵਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕੋ ਕਈ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਟਿਪਸ ਵੀ ਦੀਏ ਜਿਸੇ ਕਿ ਵਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕੋ ਦਰਸ਼ਾ ਸਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਗਿਵਨ ਇਨ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੈਟਿੰਗ। Medical hai. Known, I'm Dr. Simal Soin and I'm very pleased to launch AYNA, the science of beauty and the science of weight loss in Ludhiana. AYNA is a medical luxury space where we combine skin care, hair care, weight loss, medical pedicures, semi-permanent makeup, everything that makes you look and feel good from head to toe is under one roof. Treatments are non-invasive, there is no downtime, fabulous results. We've got trusted clients who come to us from all over the world, and please do come and visit Ludhiana and experience how fabulous it is. You will enjoy it, I'm sure. Ludhiane ch nava skin clinic khulya hai, ida naam hega AYNA. Pehle ide do branches already hege ne Mehrauli aur Khan Market de vich. Ide vich assi sirf ਚਮੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਟ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੇਅਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਪੈਡੀਕਿਓਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਹੇਅਰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਣਚਾਹੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਮੁਹਾਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਏਜਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਵਾਨ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੋਟੋਕਸ, ਫਿਲਰਸ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਲੇਜ਼ਰਸ, ਥਰਮਾਜ, ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਬਲਬੀਰ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕੇ ਸਾਥ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਥਿਤ SBI ਬੈਂਕ ਕੇ ਕਾਰਯਕਰਤਾਓਂ ਦੁਆਰਾ ਕਸਟਮਰ ਮੀਟ ਕਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸੀ ਬੀਚ ਉਨ੍ਹੋਂਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਵਹ ਇਸ ਮੀਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਵਮ SBI ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਓਂ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਗ੍ਰਾਹਕੋਂ ਕੋ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੀ ਬੀਚ ਬੈਂਕ ਕੇ ਸਭੀ ਵਰਕਰਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। I welcome you all. And our worthy customers, I extend warm welcome to all of you. इस प्रोग्राम को हमने मीट को ऑर्गेनाइज़ किया है ताकि हम कस्टमर्स को मिल पाएँ। ये ऑल ओवर इंडिया हो रहा है ये प्रोग्राम, ताकि हम कस्टमर्स से मिल के उनकी सजेशन ले पाएँ, उनकी फीडबैक ले पाएँ। इसका मेन यह है ताकि उनकी हमें पता लगे उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और हम उसके एक्सपेक्टेशन के ऊपर उतर पाएँ, वैसे अपने उनको एक्सपेक्टेशन के अनुसार अपनी बेस्ट सर्विस दे पाएँ उनके। लुधियाना से गुरप्रीत के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया एवं होटल एंड मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से आज अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस मौके पर रेडिसन लग्जरी होटल के शेफ संदीप पाटिल को प्रदेश का बेस्ट शेफ चुना गया। इस मौके मुख्य मेहमान FSSI के CEO पवन अग्रवाल द्वारा उन्हें अवार्ड दिया गया। इसी बीच होटल मैनेजमेंट एसोसिएशन को आ रही दिक्कतों के बारे में भी विचार विमर्श किया गया। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है जिसमें होटल हाइथ रेजेंसी लुधियाना को बेस्ट लग्जरी अपस्केल होटल का अवार्ड मिला है। और मेरे साथ हैं शेफ संदीप, ये हमारे हेड शेफ हैं, इनको भी बेस्ट शेफ का अवार्ड मिला। सो वी आर रियली थैंकफुल टू दी ऑर्गेनाइजेशन टू गिविंग अस दिस अवार्ड। हाय, गुड आफ्टरनून, माय नेम इज़ अभय, आई एम द जनरल मैनेजर फॉर रेडिसन ब्लू होटल MBD लुधियाना। आर होटल हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट लग्जरी होटल इन पंजाब सेक्टर। द अवार्ड हैज़ बीन गिवन बाय HRNI and we really thank them for acknowledging us and awarding us this award. I would also like to thank our ownership MBD group for giving us guidance and supporting us, and also the team in the hotel who has been part and parcel of our journey and making this hotel a best luxury hotel in the city. Ludhiana se cameraman Gurpreet ke sath Abhinandan ki report. Acharya Shri Mahashraman ji ke sushishya Muni Shri Himanshu Kumar ji Maharaj, Muni Shri Dinkar ji Maharaj, Muni Shri Hemant Kumar ji Maharaj, Mini Shri Jigyasu Kumar ji Maharaj, Thane 4, Fellore ke Jain Shwetambar 13 Panch Sthanak mein virajman hai. Is mauke par Maharaj sahib
ने सूचना दी कि उनका आगामी 2019 का चातुर्मास लुधियाना के इकबालगंज चौक स्थित आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथ भवन में होने जा रहा है। आपको बता दें कि महाराज साहब 17 जून को फिल्लौर से विहार करेंगे। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने हम चार संत मुनि हिमांशु कुमार, मुनि दिनकर जी, मुनि हेमंत कुमार जी और मुनि जिज्ञासु कुमार जी ठाणा चार का चातुर्मास इकबालगंज रोड आचार्य तुलसी कल्याण केंद्र तेरापंथ भवन में यह चातुर्मास फरमाया है। और चातुर्मास का जो लक्ष्य होता है धर्माराधना, लोगों के भीतर अध्यात्म चेतना को जागृत करना और धर्म का संदेश देना। और इस चातुर्मास से पूर्व एक महीना फिल्लौर का हमारा प्रवास निर्धारित है और 16 जून तक यह एक महीना का प्रवास हमारा यहाँ पर सानंद संपन्न होगा। और उसके बाद में 17 तारीख को यहाँ से विहार करके 20 तारीख को आचार्य तुलसी महाप्रयाण दिवस 23वां महाप्रयाण दिवस का कार्यक्रम सिविल लाइन महावीर भवन में यह आयोजित होगा। और उसके बाद में 30 जून को आचार्य महाप्रज्ञ जन्म शताब्दी समारोह का शुभारंभ होने वाला है और वह कार्यक्रम सुंदर नगर बाबा गज्जा धर्मशाला में आयोजित होगा। जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण। तेरापन धर्म संघ के 11वीं अधिशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी ने अति विशिष्ट कृपा कर मुनि हिमांशु कुमार जी ठाणा चार का चतुर्मास लुधियाना में प्रदान किया है। हम कृतज्ञोत्स्मी गुरुदेव को अर्पित करते हैं। ऐसा चतुर्मास हमें मिला है, इसका हमें पूरा लाभ उठाना है। मुनि श्री अभी फिल्लौर में विराज रहे हैं। लुधियाना चतुर्मासिक प्रवेश हेतु मुनि श्री 17 जून को लुधियाना पधार रहे हैं। आगामी 20 जून को गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी का 23वां महाप्रयाण दिवस है। यह महाप्रयाण दिवस मुनि श्री के सानिध्य में महावीर भवन सिविल लाइन्स में बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। और जैसा कि आप सबको विदित है, आचार्य महाप्रज्ञ उनकी जन्म शताब्दी वर्ष जो इस 30 जून को प्रारंभ होने जा रही है, अति विशिष्ट प्रोग्राम तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ आचार्य श्री महाश्रमण जी के सानिध्य में तमिलनाडु में मनाया जाएगा। फिल्लौर से कैमरामैन बलविंदर के साथ अभिनंदन की रिपोर्ट। तपो मूर्ति श्री वीर मती जी महाराज साहिब जी की सुशिष्य पंजाब केसरी श्रमणी गौरव उप परिवर्तनी श्री ममता जी महाराज एवं राष्ट्र ज्योति श्री सुमन जी महाराज साहिब मालेगांव महाराष्ट्र 2018 का ऐतिहासिक चातुर्मास पूर्ण कर 9 वर्षों के बाद पंजाब की पुण्य धरा पर 2019 का चातुर्मास मंडी निहाल सिंह में करने जा रहे हैं। महासती जी महाराज साहिब का चातुर्मास प्रवेश 10 जुलाई को होगा। आत्मा चैनल ब्यूरो की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से पुलवामा ब्लास्ट में हुए शहीदों के परिवारों के सम्मान के लिए एक भव्य कार्यक्रम 2 जून दिन रविवार सुबह 11 बजे जैन स्थानक सिमेट्री रोड सिविल लाइन लुधियाना में आयोजित होने जा रहा है। लुधियाना चैप्टर के चेयरमैन भूषण जैन, महामंत्री राजीव जैन ने कहा कि जीतो आज सेवा कार्यों के नाम पर एक ब्रांड बन चुका है। देश के किसी भी कोने में कोई भी त्रासदी आए, वो हमेशा ही अपना योगदान देता है। जैसा कि पुलवामा में हुए नरसंहार के लिए जीतो हेड ऑफिस के अथक प्रयास से 3,20,00,000 की राशि शहीदों के नाम इकट्ठी की गई है। इसका वितरण पुलवामा में हुए शहीदों के अलावा भी हुए शहीदों के परिवार को दी गई है। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में प्रत्येक आंखें नम थी, लेकिन जीतों का मानना है कि आर्थिक तौर पर मजबूत करने वाला इंसान अगर इस दुनिया से चला जाता है तो घर डगमगा जाता है। इस स्थिति को मजबूत करने के लिए एक छोटा सा प्रयास इन परिवारों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन देशभक्ति अर्पित करने जा रहा है। देश भर में यह राशि वितरण की जा रही है। उसी के अंतर्गत जीतो लुधियाना चैप्टर पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर के 9 परिवारों को
380,000 की राशि प्रत्येक परिवार को देकर उनका अभिनंदन एवं सहयोग करेगा। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर CRPF जालंधर के दर्शन लाल गोला DIGP भी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, ये देशभक्ति पर ही आधारित होगा। मैं राजीव जैन, जनरल सेक्रेटरी लुधियाना जीतो चैप्टर की तरफ से यह सूचना देना चाहता हूँ कि जीतो मुंबई की तरफ से 3,20,00,000 रुपए की राशि पुलवामा के शहीदों के परिवारों के लिए इकट्ठी करी गई है। उसमें से जो नॉर्थ जोन के 9 शहीद के परिवारों को बांटने की जिम्मेवारी हम लोगों पे लगी है लुधियाना जीतो चैप्टर की तरफ से, उसके लिए शहीदों के परिवारों को उस अनुदान राशि में से 380,000 रुपये हर परिवार के लिए योगदान की जिम्मेवारी हम लोगों पे जो लगी है, उसके लिए एक समारोह 2 जून 2019 को जैन स्थानक सिमिट्री रोड लुधियाना में रखा गया है। उसमें हमारी जीतो लुधियाना चैप्टर की तरफ से सभी से विनती है कि इस समारोह में आएँ और शहीदों के परिवारों को सम्मानित करें और उनके लिए जो हम ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग करके जो उनका पारिवारिक और नुकसान हुआ है, जो उन्होंने देश के लिए जितना योगदान दिया है, उसमें हमारी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम राष्ट्रहित में उनके सम्मान के लिए उसमें शामिल हो। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता जैन कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आत्मा चैनल। जय जिनेंद्र।